नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारे पास आ गया नोकिया का C32 मोबाइल फोन, जिसकी प्राइसिंग मात्र 8,500 रुपए से स्टार्ट होती है। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले कि ये 8,500 रुपए मोबाइल फोन अच्छा है कि नहीं, आपको परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे हमारे आप सभी चैनल टीम एक्सप्लेन वर्ल्ड में। चलिए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा नोकिया C32 मोबाइल फोन का बॉक्स। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, सामने आपको 7GB RAM, 128GB इंटरनल, 50MP का कैमरा और बैक पैनल में आपको ग्लास मिलने वाला, जो एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है। बैक साइड में आपको कुछ बेसिक डिटेल मिलने वाले, जो हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले। तो चलिए फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि बॉक्स कंटेंट में आपको क्या क्या मिलने वाला है, उसके बाद हम इसके आगे की डिटेल्स देंगे। सो गाइस, अगर बॉक्स कंटेंट की बात करो तो बॉक्स ओपन करने में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेलफोन मिल जाता है, उसके बाद मिलता है हमारे को एक सिम इजेक्टर टूल, उसके बाद कुछ मैनुअल बुक्स मिलती है, उसके बाद एक बैक कवर मिलता है जो कि क्वालिटी वाइज बहुत डिसेंट मिलने वाला आपको। उसके अलावा एक चार्जिंग अडेप्टर मिलता है जो कि 10W चार्जिंग के लिए दिया गया है। उसके अलावा एक चार्जिंग केबल मिलता है जो कि टाइप A to C दिया गया है। सो दैट्स इट, बॉक्स कंटेंट में आपको इतना ही मिलता है। तो चलिए इन सबको साइड में रख के और हमारे मोबाइल फोन के फर्स्ट लुक के ऊपर आते और देखते हैं इसका लुक और डिज़ाइन किस तरह दिया गया है। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया, इसका जो बैक पैनल दिया है वो ग्लास बैक में मिलने वाला है, उस वजह से इसका डिजाइन बहुत शानदार होने वाला है। तो चलिए अब मोबाइल फोन का फर्स्ट लुक देख लेते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा मोबाइल फोन का फर्स्ट लुक, और जैसा कि आप सभी देख सकते हो, ये जो कलर दिया है मिंट कलर दिया गया, और इसका जो बैक पैनल है वो ग्लास बैक में दिया गया, उस वजह से बहुत अच्छा लुक आ रहा है। कैमरा सेटअप आप ध्यान से देखो तो एक छोटा सा इसमें दिया हुआ है जो एक अच्छा लग रहा है, स्मूथ लग, छोटा सा क्यूट सा लग रहा है। उस हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत अच्छा डिजाइन दिया गया है। नोकिया का मोबाइल फोन है जिसका बजट अराउंड 8,500 करीब करीब पड़ने वाला है, उस हिसाब से देखा तो डिजाइन तो बहुत शानदार दिया गया, ऊपर से ग्लास बैक के साथ दिया है तो बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा आप कवर अगर ला के देखोगे तो कवर के साथ यूज करोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर मोबाइल फोन गिरता है तो ग्लास फूटने के चांस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि अगर आपका मोबाइल गलत तरीके से गिर जाता तो ग्लास फूटने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आप कवर के साथ यूज करिए, बहुत अच्छा रहेगा। कवर की फिटिंग बहुत शानदार दी गई है। इसके अलावा अगर बटन और पोर्ट्स की बात करो तो आपको राइट हैंड साइड में वॉल्यूम अप डाउन की और ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है। ऑन ऑफ स्विच में आपका फिंगरप्रिंट सेंसर अटैच मिलेगा। नीचे साइड में आपको स्पीकर, चार्जिंग कनेक्टर और एक माइक मिलने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिम ट्रे मिल जाएगा और टॉप हैंड साइड में आपको 3.5mm ऑडियो जैक मिलने वाला है। मतलब देखा जाए तो सारी चीज़ें इसमें आपको मिलने वाली है। इसके अलावा अगर सिम ट्रे की मैं बात करूँ तो सिम ट्रे आपको एक नॉर्मल सिम स्लॉट मिलने वाला है, जिसमें आपको 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन मिलने वाला है। इसमें आप 256GB तक मेमोरी एक्सपेंड कर सकते हो, जो एक अच्छा ऑप्शन आपको मिलने वाला है। मतलब आप मेमोरी एक्सपेंड करने का भी ऑप्शन है, अगर आप 64GB वाला वेरिएंट भी लोगे तो आप मेमोरी एक्सपेंड करके आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो चलिए मोबाइल फोन को स्टार्ट कर लेते हैं और इसके आगे की जानकारी आगे देखते हैं। सो गाइस, मोबाइल फोन हमारा स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डिस्प्ले की बात करते हैं। जो डिस्प्ले दिया है आपको 6.52 इंचेस का एक HD+ डिस्प्ले मिलता है, जो कि 60Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ आता है, और ये एक वीनॉच डिस्प्ले दिया गया है। आप साइड बाय साइड देखोगे तो थोड़े ब्रेजर्स कम मिलते हैं और एक अच्छा लुक दिया गया है। डिस्प्ले बहुत अच्छा तरीके से मिलता है आपको, बजट के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक दिया गया है। मैं अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसमें जो प्रोसेसर मिलने वाला है आपको यूनिस्को का SC9863A1 प्रोसेसर मिलने वाला है। वहीं अगर रैम रोम की बात की जाए तो इसमें आपको 4GB RAM, 64GB इंटरनल, 4 128 और 6 128 वाले 3 वेरियंट मिलेंगे। हमारा वाला वेरियंट जो है वो आपको 4GB RAM और 128GB इंटरनल के साथ आता है, जिसमें आप 3GB तक रैम एक्सपेंड कर सकते हो और 256GB तक मेमोरी एक्सपेंड कर सकते हो। वहीं एंड्रॉइड वर्जन की बात किया तो एंड्रॉइड वर्जन आपको 13 पे मिलेगा। तो देखा जाए तो मोबाइल फोन एक अच्छा दिया गया है। प्रोसेसर रैम रोम आपको ठीक ठाक मिलने वाली है इसमें, एकदम हैवी यूज के लिए ठीक नहीं है, बोला नॉर्मल यूज के लिए बहुत अच्छा मोबाइल फोन दिया गया है। वहीं इसके बैटरी की अगर बात करूं तो इसमें आपको 5000mAh की ह्यूज बैटरी भी मिलने वाली है, बट चार्जिंग सपोर्ट है सिर्फ 10W का मिलता है, जो कि मुझे लिटिल बिट कम लग रहा है। कम से कम 18W का देते तो ज्यादा अच्छा हो जाता था। 10W की चार्जिंग स्पीड के हिसाब से बहुत स्लो चार्ज होगा, मतलब अराउंड 2.5 से 3 घंटा इसको फुल चार्ज होने में लग ही जाएगा, और बैटरी बैकअप थोड़ा अच्छा मिलने वाला है आपको। वहीं इसमें अगर एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूँ तो आपको एक ब्लूटूथ 5.2 पे मिलने वाला है। इसके अलावा इसमें पावर USB Type-C केबल मिलता है, जो एक अच्छा ऑप्शन आपको मिलने वाला है। उसके अलावा ये आपको IP52 रेटिंग के साथ मिलता है, तो मतलब देखा जाए एक वाटर डस्ट प्रूफ मोबाइल फोन हो जाता है, तो एक अच्छा ऑप्शन मिलने वाला है। साथ में आपको उसमें 2 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी मिलता है, जो एक देखा जाए तो एक अच्छी चीज़ इसमें आपको बहुत सी मिलने वाली है। चलिए अब इसके बाद हम इसके कैमरे के ऊपर आते हैं, जो कि एक मेन फोकस होता है और नॉर्मली लोगों का कि कैमरा इसका अच्छा होना चाहिए। अगर कैमरा में बात करूँ तो इसमें आपको बैक साइड में 50MP का डुअल कैमरा सेटअप मिलने वाला है, फ्रंट में 8MP का सेल्फी कैमरा
कैमरा मिलेगा। देखा तो इस बजट में ये सारी चीज़ें आपको आसानी से बहुत से मोबाइल में मिल जाएगी। उसके अलावा फोटो क्वालिटीज की बात करो तो आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, फोटो क्वालिटीज के लिए भी ठीक ठाक मोबाइल फोन दिया गया है, फोटोज अच्छी आ जाते हैं आपको, सेल्फी हो या फिर बैक कैमरा हो। बैक कैमरे के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्फी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट देखा जाए तो कैमरा क्वालिटी वॉज गुड, क्योंकि बजट के हिसाब से कैमरा क्वालिटी आपको अच्छी मिलने वाली है। आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे इसमें फंक्शंस भी मिलने वाले हैं, फोटो पोर्ट्रेट नाइट जैसे अलग अलग फंक्शन मिल जाएंगे, तो फोटोग्राफी के लिए भी देखा जाए तो एक अच्छा मोबाइल फोन आपको मिलने वाला है। वहीं अगर सिक्योरिटी की बात करूँ तो इसमें आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, फेस लॉक न्यूमेरिकल जैसे सारे फंक्शंस मिलते हैं, और फिंगरप्रिंट सेंसर क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा भी काम करता है, कुछ ही सेकंड में आपका मोबाइल फोन लॉक अनलॉक हो जाता है, तो एक अच्छा ऑप्शन इसमें आपको ये भी मिलने वाला है। अब अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो इसका जो बजट दिया गया है वो आपको 464 वाला 8,500 की रेंज में, 4128 वाला 9,500 की रेंज में और 6128 वाला 10,500 की रेंज में मिलता है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये मोबाइल फोन कम से कम 500,000 रुपये ओवर बजट में बोल सकता हूँ, क्योंकि आपको आज के समय में 10,000 की रेंज में एक 5G मोबाइल फोन भी मिल जा रहा है। तो देखा जाए तो सबसे थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है इसका प्राइसिंग, अगर 464 वाला वेरियंट 7,500 की रेंज या 7,000 की रेंज में मिलता तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मिलता है, क्योंकि एक कम बजट में अच्छा मोबाइल फोन हो जाता था ये, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपको 9,500 की रेंज में भी 6128 वाला वेरियंट मिल जाने वाले हैं। मार्केट में बहुत से मोबाइल फोन कंपनी आपको 6128 वाले वेरियंट में 9,000 की रेंज में दे देते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक है, ऐसा बोल नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि कंपनी एक ट्रस्टेड कंपनी है। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो एक अच्छा मोबाइल फोन दिया गया, गेमिंग भी इसमें आप कर सकते हो बेसिक लेवल पे, जब आप एकदम हैवी लेवल पे गेमिंग नहीं कर पाओगे, ज़्यादा अगर गेम खेलोगे तो मोबाइल फोन हैंग होने के चांसेस भी ज़्यादा है, तो गेमिंग के लिए भी एक डिसेंट फोन बोल सकता हूँ, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में नहीं बोल सकता हूँ। आप इसे परचेस आसानी से कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट में आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। सो दैट्स इट, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।